ईवी कार्स और हाइब्रिड कार्स। अभी हाइब्रिड कार्स भी इंडिया में कुछ ब्रांड्स की आती हैं। तो ईवी कार्स में जैसे कि आपको बैटरी से ही गाड़ी को चलती है, आपको अगर आपकी चार्जिंग आपकी इतनी नहीं है, आप सफिशिएंट आपको कहीं लॉन्ग जाना है लॉन्ग ट्रिप्स पे, तो आपको फास्ट चार्जर्स का यूज़ करना पड़ेगा या चार्ज करनी पड़ेगी। अगर यही हम बात करते हैं हाइब्रिड कार्स की, तो हाइब्रिड कार्स जो है आपकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पीड तक जो है जो इलेक्ट्रिक बैटरी से चलती है, उसके बाद वो आपके फ्यूल से चलती है। और जब वो फ्यूल से चलती है तो उस टाइम पर आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज होती रहती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप इसको जहाँ मतलब ले जा सकते हैं नॉर्मल फ्यूल कार की तरह, आपको रीफ्यूलिंग करके आपको चार्जिंग करने के लिए कहीं चार्जिंग स्टेशंस या फास्ट चार्जर्स वगैरह की कहीं आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है आपकी नॉर्मल फ्यूल कार की कंपैरेटिवली महंगी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है अगर आपको कितनी रनिंग है आपकी, किस एरिया में आपकी रनिंग है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर आपके यहाँ पर फास्ट चार्जर्स की अवेलेबिलिटी और आप किस सिटी में, या फिर आपको मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, तो आप इन दोनों में अगर कंफ्यूज हैं तो आप एक बार देखिए। आप अगर आपको ईवी, क्योंकि ईवी में जो है आपको फिर फास्ट चार्जर चाहिए और उसकी रनिंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लो है, उसकी इतनी जो हाइब्रिड की रनिंग कॉस्ट है वो ईवी जितनी कम नहीं होगी। तो यहाँ पर भी ये आपको देखना होगा कि ईवी जितनी रनिंग कॉस्ट है इसकी कम नहीं होगी हाइब्रिड की, थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी थोड़ी सी। मतलब मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि इसकी रनिंग कॉस्ट कितनी है। अगर आपकी रनिंग इस ऐसे एरिया में है कि हाँ आपके फास्ट चार्जर्स की अवेलेबिलिटी कम है या आपको बहुत ज़्यादा ही लंबा जाना है, तो आप देख सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है जिस ब्रांड में आपको हाइब्रिड और ईवी। अगर आपको हाइब्रिड लेनी है तो आप ज़रूर उसको टेस्ट ड्राइव करके देखिए, आप खुद कंपेयर कीजिए, इट्स टोटली योर चॉइस। ईवी में आपको मैंने बताया, ईवी आपको चार्ज करानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी या करानी पड़ेगी फास्ट चार्जर पे, बस यही।